शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वो नरनारी इस भाव से गा रही थी कि मैं तो वेश्या हूं, मैं तो कृतघ्न हूं, मैं तो लोगों के शरीरों की इच्छाएं पूरी करती हूं, लेकिन हे स्वामी, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो पूर्ण पुरुष हैं, आप तो महात्मा हैं, आप तो जागे हुए हैं, आप तो आत्मा में स्थित हैं, आप तो चेतना हैं, कृपा आकर एक दृष्टि इस तुच्छ अभागी पर डाल करके मुझे भी कृपा पात्र बनाइए और मुझे भी कृतार्थ कीजिए। जो निगो शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा विचार हुआ, और जो दिमाग के अंदर बुद्धि के अंदर इतने विचार चल रहे थे वो टूटते चले गए और बिना बुलाए ही स्वामी जी खड़े हो गए। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि स्वामी जी एकदम से विचार हुआ कि बड़ा अद्भुत, मैं स्त्री और पुरुष के शरीर में भेद कर रहा हूं, जो मैं खुद एक आत्मा हूं, इससे क्या प्रभाव होता है। वो निष्कामी हो चुके थे, पुरुष स्त्री और पुरुष के भेद से खड़े हो चुके थे और वहां पहुंच चुके थे जहां केवल एक रहता है, तो वो झट से बाहर आए। अब उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी, न ब्रह्मचर्य टूटने का डर था, न कुछ खोने का डर था। खोने का भय उसी को होता है जिसे पानी की लालसा होती है। जब पाने की लालसा खत्म हो जाती है तो खोने का भय भी खत्म हो जाता है। स्वामी जी समझ चुके थे कि न कुछ खोना है न कुछ पाना है, जो भी कुछ है वही है, तो वही था और वही होगा। और आए दरबार में अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, अब वो चाहे स्त्री के साथ सोए या पुरुष के साथ, कोई प्रभाव नहीं था, कोई विचार नहीं था। क्यों? क्योंकि जब तक ये इंद्रियों पर काबू नहीं रहता, जब तक मन के ऊपर काबू नहीं रहता, तभी तक प्रभाव है। लेकिन जब हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं तो बहुत दूर चले जाते हैं। अब वो स्वामी जी नहीं थे जो भयभीत थे नारी से, वो नहीं थे जो काम से डर रहे थे, अब वो जागे हुए महापुरुष थे। अब और तेज बढ़ चुका था, अब और बुद्धि ऊंचाइयों को छू चुकी थी, चेतना और ऊपर उठ चुकी थी, अब वो कहीं भी किसी तरह से भी रह सकते थे। लेकिन जो कृष्ण राम से भी श्रेष्ठ कहूंगा उनको, राम के साथ भी उनकी तुलना, देखो तुलना करना संत महात्माओं की भी तुलना ठीक नहीं है, लेकिन अवतारों की तो तुलना बड़ी। लेकिन मैं क्या कहूं, ये संसार ही कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, राम को, जो राम को मानने वाले हैं, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम आज तक संसार में नहीं हुआ, नहीं होने की आस। क्योंकि जो भी ऊपर से अवतार आता है वो विशेष कार्य के लिए आता है। राम जैसा वचन का पालन करने वाला आज तक नहीं हुआ। पिता के एक शब्द के कारण ब्रह्मास को चला गया, राम जैसा नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण का जो चरित्र है, कृष्ण का जो खेल है, कृष्ण की जो हंसी है, कृष्ण की जो माया है, कृष्ण की जो ताकत है, कृष्ण के जो शब्द हैं, कृष्ण का जो रास है,
क्योंकि कृष्ण वो चेतना है जो अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में श्रेष्ठ है। आज तक उन्होंने किसी को मना ही नहीं किया, बड़ा रूप न शारीरिक रूप में न आत्मिक रूप में, लेकिन राम लेकर नहीं कर पाए। आप ये समझो राम वो बगीचा है जो काट छाट करके इतना सुंदर सजा हुआ है, इतना सुंदर सजा दिया गया है, देखते ही हर कोई मोहित हो जाए, हर कोई विचार करने लगे कि इससे सुंदर पूरी पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। लेकिन कृष्ण वो वन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, राम एक सीमित है। तो अगर आप हनुमान को खोजने लगोगे वो तो वो गंगा है जिसे माली ने इतना सुंदर तैयार किया है, क्योंकि वन नहीं, वन तो केवल कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने हर जगह हर परिस्थिति प्रेम से लेकर के युद्ध तक, छल से लेकर के भागने तक, कोई भी ऐसा इस ब्रह्मांड में कार्य नहीं जो नहीं किया हो। उन्होंने तो यज्ञ में सेवा में, कुछ लोग ये महत्व समझते हैं कि हमें तो वो कहेगा तभी मैं ये कार्य करूंगा, वो बोलेंगे तुलसी उसकी सुनूंगा दूसरे की नहीं मानूंगा। कुछ लोग अपने जिम्मेवारी से भागते हैं, कुछ लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, कार्य कम करते हैं, कुछ लोग अच्छे कार्य की तलाश करते हैं कि सेवा का कोई अच्छा कार्य मिल जाए तो मैं भी कर लूं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लोग हैं, हर समय होते आए हैं, लेकिन जो कृष्ण ने किया है आप विचार करना, यज्ञ के अंदर उस समय एक थाली का कम प्रचलन था, पत्तों के ऊपर भोजन कराया जाता था, बड़े बड़े पत्तों के ऊपर उन्होंने वो झूठे पत्तों तक उठाई है श्री कृष्ण ने यज्ञ के अंदर। आप इसे शायद आज इतने बैठे हैं छोटा कार्य नहीं मानते होंगे कि सबसे छोटा कार्य यही है, लेकिन मेरे इष्ट ने ये भी कार्य किया है। ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं जो उन्होंने नहीं किया। तो सेवा का भाव देखा जाता है, कार्य नहीं देखा जाता, क्योंकि कार्य जब देखा जाए अच्छा कार्य तो कोई भी कर देगा। किसी को दान देना है कोई भी दे देगा, किसी को भी उठाओ और वो तो वही तैयार है, कुछ भी ले लो। लेकिन जो सेवा का भाव है वो हर जीव के बस की बात है। किसी को किसी कार्य के लिए, किसी को किसी कार्य के लिए, लेकिन जो जिस कार्य के लिए उपयुक्त है ये नहीं समझे कि ये छोटा कार्य है ये बड़ा कार्य है, मैं इस कार्य के करने से छोटा हो जाऊंगा, अगर उसे